क्या हंसी मजाक सबसे सेट पे कौन कर रहा होता था? अच्छा मेरे साथ जो है ना इनका काम जो है नहीं सॉरी मेरे साथ इनका काम बहुत काम है मेरे साथ राबिया भट्ट का काम है एंड शबीर सर का शबीर जान अच्छा शबीर जान जो है जो शबीर सर मैं आपको बता नहीं सकती मैं जब उनसे पहली बार मिली मुझे इतना डर मैंने कहा पता नहीं ये सेट पे कैसे बिहेव करेंगे और ऑब्वियसली सीनियर एक्टर है और उन्होंने जो मजाक करना शुरू किया और वो जान बन गए रक्षी के घर की और मैं तरसती थी कि कब मेरा इनके साथ काम आ जाए कब नौशीन क्योंकि इनकी जो फैमिली दिखाई है जो कि शहरयार की फैमिली है बहुत बड़ी और मैंने कितनी स्ट्रॉन्ग है सर शबीर की ओहो उनको दूसरों के भी डायलॉग्स याद होते हैं भाई मतलब कुछ हो जाए कोई भूल जाए क्योंकि शुरू से उन्होंने मेरे अब्बा के काम ड्रामे से शुरुआत की थी अपने करियर की तो ये पूरे शोबिज में मशहूर था कि वो अपने तो उनको जुमले याद होते हैं सामने वाले के भी जुमले उनको याद भी याद इनके साथ भी है कि अगर कोई वो ये भूल जाए या मैं भूल जाऊँ शरियार को याद होती है वो कहती ये था तो मैं कहती हूँ अच्छा या आपको एक टाइम पे लगता है कि आप इतने बुरे एक्टर हैं कि आपको याद नहीं आपको तो हमारे हमारे पूरे सेट के ऊपर इतने तरह तरह के कैरेक्टर्स प्ले में मगर असल में भी हैं सारे असल में सारे हम कैरेक्टर्स ही हैं शबीर साहब के साथ अलग हंसी मजाक है इवन दो माया के मेरे बहुत कम सीन्स हैं इकट्ठे मगर जब हम इकट्ठे होते हैं इट्स very funny and very rowdy and hum bahut zyada I think rowdy is understated ha hum it's hum, more than rowdy hum log bahut shor mein jaate hain sherry ka mera alag hai sherry ka mere bahut zyada ikatthe scenes hain magar uske sath dosti itni achhi hai ki jo bhaiyon wala relationship hai wohi hamara set pe bhi usi tarah ka hai नौशीन को मैं बहुत देर से जानता हूँ तो हमारी बड़ी कंफर्ट लेवल है एक दूसरे के साथ मगर हमारी गप्पें बिल्कुल अलग ही किसी चीज़ बहुत अच्छी कपूरी है हाँ राबिया भट्ट हमारे पास साथ प्ले में है और पहला सीरियल किया था और अब मौका मिला था तो 10 साल के बाद उनके साथ काम करती है और वो एक बड़ी एक जब वो आती है सेट पे तो लगता है अब घर कंप्लीट हो गया ऐसे लगता है अम्मी आ गई अम्मी आ गई आपको कहती है जग माता जग माता उन्होंने कुछ ऐसा कहा था और इतना मजा आता है एंड देन अच्छा अगर आपके डायरेक्टर आपके साथ और ज्यादा अच्छे हों तो आपको और लगता है घर वाली फीलिंग आपको दिल ही नहीं करता होटल या घर जाने को तो जब वो आते हैं तो एक अलहदा से एक एनर्जी लेकर आते हैं सर जबरदस्त और आप लोगों का ओएसटी बड़ा जबरदस्त है वो अली जफर ने गाया है आइए जरा हम सुनते ना एक साथ मिलकर देखते भी है सुनते संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगूं मैं तलबगार हूं तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करें हाय मैं तो और सुनना है मुझे और लगा रहे हम ये क्या है अभी तो हम तैयार हो रहे थे और क्या अभी तो हम देख रहे थे अभी तो मेरी नजर अली जफर पे ही ठहरी थी खाली फिर हम गाना चली जाओ क्या ब्रेक में वहां से जाके देखूं जो कि माय नेक वाज हर्टिंग अच्छा यूं हो गई ना भाई नौशीन के लिए यहां भी एक मॉनिटर लगाया है ना वो नहीं मैं सीरियसली आई थॉट लंबी ब्रेक है तो पीछे जाके खड़ी होंगी और वहां से देखूंगी फ्लाई विद पीआईए एंड सेव गोल्ड Register now. Scan QR code then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat